खेलो सब जीतो यारो, सब खेलो सब जीतो। नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं साइरस साहूकार और आप सब देख रहे हैं सब खेलो सब जीतो। तो देखिए दोस्तों, इंसान का मन सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट है यार। अगर किसी चीज को करने के लिए मना किया जाए तो वही करने का मन करता है यार। और हम इंडियंस को तो हर जगह रूल्स तोड़ने का बड़ा ही मन करता है। काफी लोग तो यही मानते हैं कि नियम बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए, कभी रूल्स फॉलो नहीं करते तो कभी रूल्स का मतलब ही बदल देते हैं। देखिए, दुनिया भर में रूल है कि रेड सिग्नल हो तो स्टॉप, यानी रुक जाइए। लेकिन हम भारतवासी मानते हैं कि रेड का मतलब है चेक करो कि कहीं ट्रैफिक हवलदार तो नहीं खड़ा है। अगर नहीं है तो भाई रूल तोड़ो और आगे बढ़ो। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारी 6 डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करने वाली फैमिलीज को। तो सबसे पहले आ रहा है वो परिवार जो काफी सिंसियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। सो प्लीज वेलकम जयेश नंदा और उनका अमेजिंग परिवार। मेरा नाम जयेश नंदा है और मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं भव्य नंदा हूँ, मैं यहाँ पर खेलने आया हूँ और सब जीत के जाऊंगा। माय नेम इज भक्ति। मेरा नाम रेखा नंदा है, मैं यहाँ धमाल मस्ती करके खूब सारे प्राइज जीत के जाऊंगी। हर हाल में जीतना, बस यही एक नियम है हमारी अगली टीम का। वेलकम आप ब्लू टीम सीमा मल्होत्रा और उनका वंडरफुल परिवार। मेरा नाम नवराज मल्होत्रा है, मेरा एक्सपोर्ट हाउस है स्टेनलेस स्टील का और ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। मस्ती और धमाल का दूसरा नाम है सब खेलो सब जीतो, उसी मस्ती धमाल को मैं आनंद लेने आया हूँ। मेरा नाम यजत मल्होत्रा है। मेरा नाम वैष्णवी मल्होत्रा है, मुझे मस्ती करना एंड खेलना बहुत पसंद है। मेरा नाम सीमा मल्होत्रा है, हर काम को कम्प्लीट करना पूर्ण करना मेरा प्रोफेशन और मेरी नेचर भी है। हम है मल्होत्रा फैमिली, हम करेंगे धमाल क्योंकि हम हैं कमाल। सब खेलो सब जीतो, सब खेलो। अपने नियम ये खुद बनाते हैं। प्लीज वेलकम ग्रीन टीम वृंदा कपाड़िया और उनका फैंटास्टिक परिवार। मैं राजीव कपाड़िया बोल रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ। मेरा नाम प्रीशा कपाड़िया है, मेरे हॉबीज डांसिंग कलरिंग और स्केटिंग है। मेरा नाम हेता है और यहाँ पे खूब मस्ती और धमाल करने आई हूँ। मेरा नाम वृंदा है, सब खेलो सब जीतो से एक नया रंग नई एक्सपीरियंस अपने लाइफ में डालना चाहती हूँ। हमसे लेना नहीं पंगा वरना हो जाए। सभी गेम्स पर रूल करने आ रही है हमारी रेड टीम। स्वागत कीजिए दीप्ति राजपाल और उनकी मार्वेलस फैमिली का। मैं राजा राजपाल हूँ और मैं यहाँ पे धमाल मस्ती और एंजॉय करने आया हूँ। मैं हूँ नमः राजपाल, मैं यहाँ बहुत एंजॉय करने आया हूँ और मुझे पढ़ाई के अलावा सब कुछ पसंद है। मेरा नाम है कोमल, मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। मैं दीप्ति राजपाल हूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस गेम शो के लिए लगती है कि ये एक फैमिली शो है। सच कहती हूँ, गेम से पहले हम लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया है। रेड कलर में आए हैं, राजपाल फैमिली है, राज करके जाएंगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये मोटो है हमारी अगली टीम का। काजल पांड्या और उनका सुपर परिवार जो है हमारी ऑरेंज टीम। मेरा नाम भावेंद्र कुमार वासुदेव पांड्या है और यहाँ हम आए खेलने और सबको हराने आए और सब जीत के जाएंगे। मेरा नाम हेमंत पांड्या, मुझे क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है। मेरा नाम नील पांड्या है, मेरा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है मेसी। मेरा नाम काजल पांड्या है, कल रात से एक्साइटेड थे, काफी सारी तैयारियां की हमने, जीत के जाएंगे। रूल नंबर 1, जीतेंगे सिर्फ हम, ये कहना है हमारी पर्पल टीम का संदीप कुमार और उनका माइंड ब्लोइंग परिवार। मेरा नाम संदीप है, मैं मल्टीनेशनल में एक काम करता हूँ। मेरा नाम आयुषी है, मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना। मेरा नाम तुलिका है, एक बहुत ही यूनिक हॉबी है मेरी परफ्यूम कलेक्ट करना। मेरा नाम प्रेरणा है, मेरा पैशन है फोटोग्राफी। हम है कुमार, जीत के लिए बेकरार। सब खेलो।
वेलकम फैमिलीज टू सब खेलो सब जीतो। चलिए रूल्स आप सबको मालूम ही है। ऑल राइट फैमिलीज लेट्स प्ले सब खेलो सब जीतो। बेस्ट ऑफ लक फैमिलीज। और घंटी राउंड नंबर वन के लिए ये रहा आपका सवाल। राजू राई का क्या बनाता है? बलोत्रा फैमिली सबसे पहले आपने बजर दबाया, आंसर बताइए सर। आंसर इज पहाड़। पहाड़ करेक्ट आंसर। आइए वेलकम बलोत्रा फैमिली, वेलकम। हम आज रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको रूल्स पसंद है या नहीं पसंद है? नहीं बिल्कुल नहीं। कौन सा एक रूल है जो बिल्कुल समझ नहीं आता? घर का। क्या है घर का रूल? कि 10:30 के बाद नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो मोबाइल्स, टीवी, नथिंग। कुछ नहीं, टोस्टर भी नहीं अगर भूख लग रही है तो। मतलब वो सब ठीक है बट टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं। आपको पसंद नहीं है? आपको क्या पसंद है? 1 बजे तक पार्टी चलते रहे। कभी कोई रूल तोड़ा है? हाँ। क्या रूल तोड़ते हो? घर के बोलते। कौन सा घर का रूल तोड़ते हो? 10:30 इसके बाद भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सब लेके बैठ जाते हैं। कहाँ छिपके करते हो? हाँ। इंटरोगेशन की जरूरत नहीं, खुद ही बताने का क्या गलतियाँ हो रही है। हमको भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मालूम पड़ता है, पता चल जाता है आपको। हम लोग सोते हैं तो ये चालू हो जाते हैं। अरे वाह, ये शिफ्ट में चल रहा है, होती है। और हम देखते हैं कि अंदर लाइट ऑन है बेडरूम की, तो सरप्राइज हो जाते हैं, अंदर टीवी भी चल रहा है। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरे से बात करते होते हैं, कहेंगे बहुत काम हो रहा है इस घर में, नॉनस्टॉप शिफ्ट चल रहे हैं। एनीवे, जाने दीजिए, अब हम गेम खेलेंगे। रेडी फॉर द गेम? यस। लेकिन गेम से पहले मैं आपको दिखाऊंगा आपका सुपर प्राइज। तो ये रहा आपका प्राइज, गोदरेज इऑन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर विद एपेक्स डोर डिजाइन, जिसमें है पेटेंटेड कूल शावर टेक्नोलॉजी जो आपके फ्रिज के हर कोने में ठंडक बरकरार रखेगा। रेडी फॉर योर गेम? यस। ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है आसमान से गिरे थाली में अटके। तो देखिए ये गेम जोड़ियों में होगा। दो मेंबर्स अपने चेहरों पर हमारे स्पेशल मास्क पहनेंगे और बॉल थ्रो करेंगे। बाकी के दो मेंबर्स अपने हाथ में प्लेट्स लेकर खड़े रहेंगे और वो बॉल्स अपनी प्लेट्स में चिपकाएंगे, यानी कि कैच करेंगे। 90 सेकंड में आपको कुल 10 बॉल्स कैच करनी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो बॉल कैच कर रहे हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स से। बेस्ट ऑफ लक फैमिली, अब मुझे बताइए कौन पहन रहा है मास्क? मास्क ये और ये पहन रहे दोनों। तो बस मेरे एजेंट्स आपको आपके गियर दे देते हैं। आई एजेंट, पहला गेम खेल रहे हैं, याद रखिए 90 सेकंड में आपको चाहिए केवल 10 बॉल्स। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स प्ले। 3, 2, 1। राइट हैंड साइड मारो, सिक्स मारो मारो। यस यस, पीछे 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 पीछे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओह वेरी गुड। Yes, yes. We should all go. Yes, 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 yes. We should. डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सब निकल पड़े हैं, केवल 10 सेकंड बाकी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फैमिली बहुत अच्छी तरह खेला आप लोगों ने, गुड स्टफ हैपनिंग। डायरेक्शन कैसी थी, सुनाई दे रहा था आपको? बहुत कम सुन रहा था और दिखाई तो कुछ दे ही नहीं रहा था, कहाँ मार रहे हैं किधर जा रहे हैं। करेक्ट, आई थिंक परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी थी। गुड, आपको केवल 10 बॉल्स की जरूरत है, लेकिन उससे पहले
there are some disqualifications. 5 balls disqualify ho jayenge. Bataiye kyun? Haath se pakde. Ye kaisa game khel rahe the aap? Hain? हाँ ठीक है, तो 3 बॉल वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाती है. 1 बॉल आई थिंक आपने डायरेक्टली मार दिया बॉक्स में, वो आपकी गलती नहीं है मैम. और 1 आपने लास्ट मोमेंट में जमीन से उठा के लास्ट सेकंड में डाल दिया था. सो दैट वाज 1. तो 5 गए. नो प्रॉब्लम. गिने बेस्ट ऑफ लक फैमिली. आई 10 बॉल्स की जरूरत सर. I can't believe ना ना. 1 2 3 4 5 6. एक्चुअली अब फिर से शुरू करते हैं. हाँ अभी शुरू होती है गेम. ये बॉल छोटे हो गए बेचारा, मूड खराब हो गया. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और बताइए क्या चल रहा है दिन में, कैसा गया दिन? बढ़िया चल रहा है यार. तो भैया 10 आप लोग ये गेम जीत चुके हैं. प्लीज प्राइस के पास जाइए. सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो. कंग्रेचुलेशन, पहला गेम जीत गए. वेल डन. सब खेलो, पहला गेम खेला, पहला गेम जीत गए. वेरी गुड बिगिनिंग. बेस्ट ऑफ लक ऑल द फैमिलीज. ये है घंटी राउंड नंबर 2. बजर पे हाथ रखिए, फोकस करिए. घंटी राउंड नंबर 2 के लिए ये रहा आपका सवाल. किस फिल्म में करीना कपूर और शाहिद की ट्रेन मिस हो जाती है? राजपाल फैमिली. द आंसर इज जब वी मेट. करेक्ट वन. वेल डन. आइए खेलो. वेलकम. तो भाई हम सबसे यही पूछते हैं कि आप लोग कैसे मिले, क्योंकि पूरी फैमिलीज यहाँ पे आती हैं, कि आपकी क्या कहानी है? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज कम लव मैरिज थी. क्या है ये अरेंज कम लव मैरिज की कहानी? ऐसा था कि पहले हम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते थे. ओके. फिर फैमिली का फोर्स किया तो हम लोग बोला चलो जाके देख के आते हैं, ना बोल देंगे. तो ना बोलने के लिए मिले? हाँ. तो फिर देखने के बाद तो कोई पागल ही होगा ना बोलेगा. फिर शादी और मैरिज में 8 महीने का डिस्टेंस हो गया जी. तो 8 महीने के बीच में फैमिली का थोड़ा ईगो क्लैश हो गया दोनों फैमिली का. ओहो, ये तो बहुत मजेदार कहानी है. शादी ये मोहब्बत पे आ गए कि दोनों शादी कैंसिल कर रहे. अच्छा. और हम लोग का बाउंडिंग इतना हो गया, इतना लव हो गया बीच में कि हमने उन्हें क्या बोला कि अगर फैमिली ना भी बोलेगा तो हम भाग के शादी कर लेंगे. अरे वाह, ये तो रियली अरेंज कम लव मैरिज हो गया. यस यस. तो भाग के शादी करी. घर वालों को पता चल गया कि इनकी तैयारी है कि ये लोग भाग के करने वाले हैं, तो चलो भाई आ जाओ करा लेते हैं. वाओ. लेकिन अब घर वाले सही है एक दूसरे के साथ? हाँ, एकदम सही है. यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हुई है. और आप मिस्टर नमा, मैंने सुना कि तुम ट्यूशन क्लासेस जाते हो गप्पे लड़ाने के लिए. ये क्या कहानी है? मेरा एक बार ट्यूशन गया था तो मैं बहुत बात कर रहा था, तो मिस ने बोला चुप बैठना अभी काम कर. तो मैंने बोला मिस आप बात ही नहीं करने देते हो मुझे, तो मैं क्या करूं? तो मिस बोला तू संडे को आ जाना तभी हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट डे संडे था. हाँ. तो मैं तैयार होकर ट्यूशन गया तो मिस बोला आज क्यों आया, आज तो छुट्टी है. तो ना मिस आपने ही तो बोला था कि बात करने के लिए आ जाना. तुम तो रूल फॉलो करने वाले आदमी हो. वेरी गुड. एनीवे फैमिली बेस्ट ऑफ लक, गेम खेलते हैं, मजा आएगा. रेडी फॉर योर प्राइज? यस. ये रहा आपका प्राइज. ये है गोदरेज ईऑन 34 लीटर कन्वेक्शन ड्रॉप डाउन माइक्रोवेव ओवन. और इसका 34 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव, इसका ड्रॉप डाउन डिजाइन आपके लिए तब भी किफायती है जब आपके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही है. खेलो. बेस्ट ऑफ लक फैमिली, ये रहा आपका गेम. गेम का नाम है बलून और कांटे. तो बेसिकली ये गेम आप जोड़ियों में खेलेंगे. दो मेंबर हमारे स्पेशल कांटों वाले ताज पहनेंगे और उन्हें देखने में आसानी हो इसलिए हम उन्हें हमारे स्पेशल चश्मे भी देने वाले हैं. बाकी के दो मेंबर्स बलून उनकी ओर फेंकेंगे और हेलमेट पहने मेंबर्स को गाइड करेंगे ताकि बलून्स को वो फोड़ पाए. 90 सेकंड में आपको कुल 8 बलून्स फोड़ने हैं. तो बस बताइए कौन पहन रहा है हमारा ताज और कौन कर रहा है गाइड? नमः. And मेरे हस्बैंड राजा, दोनों ताज पहनेंगे. दोनों ताज पहनेंगे. आप दोनों गाइड करने वाले हैं. यस. बेस्ट ऑफ लक फैमिली. थैंक यू. एजेंट्स प्लीज इनका गियर ले. बेस्ट ऑफ लक फैमिली, आर यू रेडी टू प्ले? यस. ऑलराइट, लेट्स प्ले. 3 2 1. कैसे आ रहे हैं आप?
जोर से इनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए। ये पौधा अकेला पड़ा हुआ है। जोर से इंस्ट्रक्शन कूदिए सर। वेरी गुड। बोलिए जंप करने के लिए। जब बोलूं मैं भाई ये बेचारा नहीं ऐसे नहीं खेल सकते। सर आप से खुश हो गए, इतना खुश हो गए हैं आप, चश्मा लगा के वेल डन राजपाल सर। एक चीज बता दूं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो तालियां मिलती हैं, कुछ लोग परफॉर्म इतना अच्छा नहीं करते लेकिन परफॉर्मेंस इतनी मजेदार होती है कि उन्हें तालियां मिलती है। मुझे मालूम है मेरी बहुत। मुझे मजा आ गया सर आपको देख के। आप इतना उछले इतना कोई नहीं उछला होगा। इट वॉज अ रियली एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस। आपने बिल्कुल कमाल की परफॉर्मेंस दी, इतने झटके मारे, बहुत मजे आए एंड यू रियली परफॉर्म्ड वेल। आप दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मजा आया कि नहीं फैमिली? बहुत 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 मजा आया। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। 8 की जरूरत थी आपको, फोड़ने थे 8 बलून्स, आपने सर 3 बलून फोड़े। इतना कूदे इतना उछले लेकिन फोड़े केवल 3। लेकिन घबराइए मत क्योंकि 11 आपने फोड़ दिए। वंडरफुल परफॉर्मेंस, आपने गेम जीत लिया है। वेल डन फैमिली, जाइए अपने प्राइज के पास। आइए, यह है हमारा तीसरा घंटी राउंड और तीसरे घंटी राउंड के लिए ये रहा आपका सवाल। रहूं सभी के साथ हमेशा लेकिन बोल ना पाती, चलूं फिरूं मैं साथ सभी के फिर भी कभी ना खाती। यस मल्होत्रा फैमिली, छाया करेक्ट आंसर मल्होत्रा फैमिली। आप खेल रहे हैं हमारा अगला गेम, आइए। वेलकम बैक मल्होत्रा फैमिली। सीमा जी बहुत खुश लग रहे हैं आप, और होना भी चाहिए। तो सीमा जी ये बताइए कि शादी में नवराज जी ने सालियों को 10,000 रुपए गिफ्ट दिए थे, फिर भी आप बहुत नाराज थी, ऐसा क्यों भाई? थोड़ा मांगा शगन लेकिन 10,000 रुपया दिया इन्होंने। हाँ। और बाद में सब डिसअपॉइंटेड हो गए। क्यों? क्यों? ऊपर नोट 5 असली 100 के और नीचे भी 5 असली 100 के, और बीच में प्लेन पूरे डाल के गट्टी पकड़ा दी उनको। बात कर रहे हैं सर। पहले तो सब एक्साइटेड होके गए, वाओ जीजू ने इतना दे दिया। करेक्ट। हमने तो 2,100 मांगा और 10,000 मिल गया। लेकिन बाद में जब जाके वो बांटने लगे आपस में तो ये क्या है। और आप बैंक में काम करती हैं? देखिए मुझे ही नहीं मालूम। देखिए ऐसे कस्टमर मिल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। All right, family. देखिए अलग अलग टाइप के रूल होते हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में अगर आप कबूतरों को खाना दे तो वो क्राइम है। मुझे लग रहा है कबूतरों ने ये लॉ पास किया होगा, तंग आ गए हैं खाना खा खा के। हमारे इतने मोटे हो चुके हैं कि अब उड़ना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो आपके ख्याल से हमारे देश में कौन सा एक लॉ होना चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं पे भी जो लोग गंदा कर देते हैं थोड़ा उस पे फाइन ऐसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हमारा भी कंट्री नीट एंड क्लीन हो जाए। बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए। हम बाहर जाते हैं, बाहर गाँव में जाते हैं, देश में जाते हैं, तो हमारे हाथ में गंदगी होती है तो हम डिब्बा ढूंढते हैं। हाँ। लेकिन अपने देश में फेंक देते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फाइन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल कि कचरा डिब्बे में ही, या तो हर आदमी पे एक डिब्बा बांध दो। वो सुनते नहीं है ना, सुनते नहीं। एनीवे फैमिली बेस्ट ऑफ लक। अब एक गेम खेलते हैं, गेम से पहले आपको प्राइस दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका प्राइस। आप जीतने वाले हैं गोदरेज इओन एसी विद ग्रीन बैलेंस टेक्नोलॉजी, जो बिजली की बचत में बाकी 5-star एसी से 20% ज्यादा किफायती है। रेडी फॉर द गेम? यस। ये रहा आपका गेम।
गेम का नाम है गुलेल बाज। आपको गुलेल से बॉटल्स गिरानी है। ये गेम आप जोड़ियों में खेलेंगे। दो मेंबर्स टेबल पर बॉटल्स रखेंगे और बाकी के दो मेंबर्स गुलेल से मारकर उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे। गेम जीतने के लिए आपको 90 सेकंड में 8 बॉटल्स गिरानी है। कौन फेंक रहा है? हाँ, मैं, मेरा बेटा। आप बॉटल रख रहे हैं? ठीक है, फैमिली पोजिशन लीजिए। आइए, एंड बेस्ट ऑफ लक फैमिली, मजे लीजिए। लेट्स प्ले। 3, 2, 1। ओहो, ये तो बोतल खुद ही गिर गई सर आपकी। चलिए चलिए, गुलेल प्रैक्टिस करनी चाहिए थी बचपन में। सर निकल पड़िए। वेरी गुड। बोतल 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 रखिए। याद रखिए, 90 सेकंड में आपको केवल 8 बोतल गिराने हैं। अब तक एक गिर चुका है। एम लगाइए, एम एम, फोकस। हाय, एक पॉइंट में। वैष्णवी, आपने मम्मी को बोतल समझ लिया, उनको ही बॉल मार दी। चलते रहिए चलते रहिए। गुड शॉट, जल्दी करिए फैमिली, बहुत धीरे चल रहे हैं, ऐसे गेम नहीं जीत पाएंगे, जल्दी करिए। एम लगाते रहिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड, चलते रहिए सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेल प्लेड। देखिए, काफी समय हो गया गुलेल के साथ, तो आपने खेला नहीं होगा। बहुत समय हो गया। बचपन में खेलते थे? खेलता था। आप मैम? खेलते थे। और आप? इनको तो गुलेल देखी पहली बार है। anyway, आपका टेक्निक बहुत अच्छा था। आपने देख लिया कि आपसे खड़े होके एम नहीं हो रहा है, आपने अच्छी पोजीशन ले ली और फिर आपने इनोवेट करा और आपने अपनी गुलेल यूज करी। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। बीच में बिगिनिंग में आप कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है, बोतल कहाँ डालनी है। ऑलराइट फैमिली, हमें 8 बॉटल्स की जरूरत थी, तो हुआ ये कि आपकी साइड पे सर आपने 4 बोतल उड़ा दिए। और आपने कितने? 1। हमें 8 की जरूरत थी, आप केवल 5 गिरा पाए। सो सैडली ये गेम आप नहीं जीत पाए, लेकिन गेट रेडी फॉर आवर नेक्स्ट घंटी राउंड फैमिली। रेडी? यस। ऑलराइट, लेट्स प्ले। बेस्ट ऑफ लक फैमिलीज, लेट्स प्ले। ये है हमारा चौथा घंटी राउंड और चौथे घंटी राउंड के लिए ये रहा आपका सवाल। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। बसंती कौन है? कुमार फैमिली। हेमा मालिनी। हेमा मालिनी इज द करेक्ट आंसर। आइए कुमार। शोले बहुत देखी आपने? हेमा मालिनी मेरी फेवरेट है। ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट। आपने कभी कोई रूल तोड़े हैं सर? बैंगलोर में हमारी सोसाइटी में एक एरिया है जहाँ सिर्फ आप ड्राई होली खेल सकते हैं। जी। कारण ये कि उसके नीचे पानी की पूरी टंकी थी जो मुझे पता नहीं था। हाँ। तो हम लोग वहाँ जोश में गए और बिहारी की पूरी होली खेल दी हमने। पूरा रंग वंग पूरा चारों तरफ फैला दिया। जी। है ना? और उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि पूरा पानी चला गया उसके पूरे टंकी। बाप रे, लोग रंगीले पानी से नहा रहे। पूरी सोसाइटी ने काफी हंगामा किया। बाप रे, हाँ, ये आपने रूल तोड़ दिए सर। ये तो रूल तोड़ा तो गलती का एहसास हुआ, लेकिन करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमारे शो में कवाल की बात ये है कि हमारे रूल्स हैं बड़े इजी से रूल्स हैं और तोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, रेडी टू प्ले फैमिली? बिल्कुल। ऑलराइट, गेम से पहले मैं आपको दिखाऊंगा आपका वंडरफुल सा प्राइज। ये रहा आपका प्राइज, ये गोदरेज इओन ग्लिट्स वॉशिंग मशीन। इसकी यूनिक पेटेंटेड DSE टेक्नोलॉजी अपने आप पानी और बिजली के कट्स को डिटेक्ट करे और उसके मुताबिक एडजस्ट भी, और बनाए आपकी वॉशिंग मशीन को एक कम्प्लीटली ऑटोमेटिक मशीन जो आपको दे पूरा आराम। बेस्ट ऑफ लक फैमिली, और ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है तकिया कलाम।
तो देखिए ये गेम आप जोड़ियों में खेलेंगे। पहला मेंबर एक कुशन आगे रखेगा और उस पे खड़ा होगा, दूसरा मेंबर उसके बिल्कुल पीछे दूसरा कुशन रखेगा और उस पर खड़ा होगा, फिर दूसरा प्लेयर तीसरा कुशन प्लेयर को पास करेगा जो वो अपने आगे रखेगा। अब पहला प्लेयर आगे वाले कुशन पर चढ़ेगा और दूसरा प्लेयर पहले प्लेयर के कुशन पर, और फिर वो अपने पीछे वाला कुशन आगे वाले प्लेयर को पास करेगा। ठीक है, ऐसे ही कुशन का ब्रिज बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कुशन को बॉक्स में डालेंगे। ध्यान रहे आपके पैर कुशन पर ही रहने चाहिए, जमीन पर नहीं आने चाहिए। बाय चांस अगर जमीन पर आ गए तो उस टीम को फिर से स्टार्ट पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। दोनों टीम्स दोनों पेयर्स को वहां फिनिश लाइन पर पहुंचना पड़ेगा, तभी कुशन डाले जा सकते हैं और नए कुशन लिए जा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फैमिली, आइए अपनी पोजिशन लीजिए। 90 सेकंड में आपको 15 क्वेश्चंस उस बॉक्स में डालने हैं। याद रखिए अगर बाय चांस आपका फुट जमीन पर टच हो जाए तो आप दोनों को फिर से शुरू करना पड़ेगा। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स प्ले। 3, 2, 1। वेरी गुड, ब्रिज बनाइए, ब्रिज बनाइए। अब तक फैमिली काफी अच्छी तरह के तरीके से खेल रही है। याद रखिएगा अगर बाय चांस आपका पैर जमीन पर टच हो जाए तो प्रॉब्लम है और आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। वो इस वक्त दोनों टीम जो है बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, दे आर प्लेइंग वेरी वेरी वेल। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बस। संदीप जी जो है, संदीप जी बैलेंस जो हमारी गर्ल्स की टीम है वो तो बड़े प्यार से निकल रहे हैं, लग रहे पुराने प्रैक्टिस करके हैं। ऑलराइट, ओके फैमिली, बेस्ट ऑफ लक, चलते रहिए। 15 क्वेश्चंस की जरूरत है 90 सेकंड में। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड गर्ल्स, आप ही जिताएंगे हमारे वंडरफुल फैमिली को। चलते रहिए, स्पीड बढ़ाइए, समय कम है, स्पीड स्पीड इज ऑफ द एसेंस। वेरी गुड संदीप जी, चलिए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेल डन कुमार्स, आई एम इंप्रेस्ड। क्या आप अपने आप से इंप्रेस्ड हैं कि नहीं? Not really. अपने पार्टनर की परफॉर्मेंस कैसे लगी? Up to the mark तो नहीं था। What about you both? आप दोनों काफी तेजी से चल रहे थे, आप दोनों एक दूसरे से खुश हैं? Yeah, happy, but then starting में थोड़ा स्पीड ज्यादा होता तो शायद कर लेते। Alright, कुमार फैमिली गिनती शुरू करें। बिल्कुल, आइए सर, आइए फैमिली। 15 क्वेश्चंस की जरूरत है हमें। 1, 2, 3, 4, 5 छे, केवल 6, 15 की जरूरत, गेम जीत नहीं पाए। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेल ट्राइड, जोरदार ताली हमारी वंडरफुल फैमिली के लिए। तैयार जा रही है अगले राउंड के लिए। फैमिली तैयार हो जाइए, ये हमारा पांचवा घंटी राउंड है और पांचवे घंटी राउंड के लिए ये रहा आपका सवाल। गन्ने का रस पका पका कर हमने उसे बनाया, लाल रंग का मेवा है वो, खाने में बहुत भाया। राजपाल फैमिली आंसर बताइए। गुड़। गुड़, करेक्ट आंसर राजपाल फैमिली, आइए। वेलकम बैक राजपाल फैमिली। फैमिली हम रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैम आप आईटी कंपनी में काम करती हैं, वहाँ पर काफी स्ट्रेस होता है, तो ऐसा कोई रूल है जहाँ
जो आप इम्बाइब करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं पास हो जाए, सबके लिए जो काम करते हैं कंपनीज में, लेट नाइट्स में काम करते हैं, ये वो करना पड़ता है? प्रोफेशन ऐसे, मैं कंपनी की वीपी हूँ, तो ब्रेक तो आप रूल पास कर भी सकती हैं। चलिए, जाहिर है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये टाइम से ले, लेकिन जनरली बाहर का जो कल्चर है मैंने देखा है, वहाँ पे दो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि आप या तो इतने वर्किंग आवर्स कंप्लीट कर लीजिए या कि आपका वर्क होना चाहिए अल्टीमेटली। जी, हमारे यहाँ क्या मेंटेलिटी है, यू शुड बी देयर इन ऑफिस एट 10 एंड यू शुड लीव बाय 6:30। काम हुआ नहीं हुआ वो राम भरोसे। तो मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं ये वाला कल्चर चेंज करना चाहूंगा। आदमी कहता है 12 घंटे से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन किया कुछ नहीं, बैठे हुए है ना, तो काम कर लीजिए, जब घर जाना कर लीजिए, जब जाना है चले जाइए, टारगेट हुआ दैट्स इट, एंजॉय योर लाइफ। और टारगेट भी थोड़े प्यार वाले होने चाहिए, है ना, पता चले पहाड़ बना के घर चले जाना तो आदमी वहीं बैठा हुआ है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक फैमिली, हमारा टारगेट बहुत सिंपल है, 90 सेकंड, और आपको बस जीतना है। रेडी? रेडी। तो बस गेम से पहले आपको दिखाएंगे आपका प्राइज, जो है एक होम थिएटर सिस्टम विद अ डीवीडी प्लेयर। अब आप तैयार है गेम के लिए? यस। तो ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है अंडे और डंडे। तो देखिए, ये गेम आप जोड़ियों में खेलेंगे। हर टीम के पास होगी एक स्टिक जिस पर 6 रस्सियां लगी हैं। दोनों मेंबर्स स्टिक्स को एक एक एंड से पकड़ेंगे और उस पर लगी रस्सियों में अंडों को लटकाएंगे और उनको बैलेंस करते हुए फिनिश लाइन पर ले जाकर रख देंगे। 90 सेकंड में अगर आपने 8 अंडे घर पहुंचा दिए तो आप ये गेम जीत जाएंगे। गुड, इजी, नो प्रॉब्लम, आर यू श्योर? यस। ऑलराइट फैमिली, बेस्ट ऑफ लक, आइए अपनी पोजीशन लीजिए। Best of luck family and let's play 3-2-1. शुरू हो जाइए। हमारे रंग बिरंगे अंडे बस रुके हुए हैं घर जाने के लिए। देखिए, 8 अंडों को घर पहुंचाना है। वेरी गुड टेक्निक। शुरू हो जाइए आप दोनों। आइए, कितने खुश लग रहे हैं दोनों। इन दोनों की टीम कितनी अच्छी चल रही है। राजा जी, वेरी गुड। आठ अंडों की जरूरत है, समय कम है, चलिए। ये वेरी गुड, ये बेचारा जा रहा है, आ जाओ। हाँ, एक और आ गया, चलिए निकलिए। आप दोनों की बिगिनिंग इतनी अच्छी हो रही थी, वेरी गुड, दो एक झटके में, वेरी गुड, चलते रहिए फैमिली। ट्रैफिक जैम। चलते रहिए, वेरी गुड। राजपाल फैमिली, आप अपने वंडरफुल होम थिएटर सिस्टम के पास आते जा रहे हैं, समय कम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. राजपाल फैमिली, वेल प्लेड। बड़ी अच्छी टीम थी, बहुत मजा आया खेलते वक्त। आप तो हंस रही थी खेलते वक्त। अंडे एक्चुअली हम लोग कितना ट्राई कर रहे थे, वो हो ही नहीं रहे थे, वो स्ट्रिंग से बहुत हिल रहे थे। रस्सियां बड़ी झूम रही थी ना। मैम, आप इतनी एक्साइटेड हो गई कि आखिरी 8 सेकंड में आपने क्या किया? आपने अपने पार्टनर को ही उड़ा दिया। अकेली मिली आप अपने डंडे के साथ। वेरी वेल प्लेड गाइज। अभी देखना यह है कि क्या वहां पे 8 अंडे हैं कि नहीं। हो जाएगा? ओके, लेट्स काउंट। आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं कहा क्योंकि है ही नहीं, डोंट वरी। ये हमारा आखिरी घंटी राउंड है, लास्ट चांस टू विन, फुल फोकस के साथ खेलिएगा। और घंटी राउंड नंबर 6 के लिए ये रहा आपका सवाल।
ये एक ऑडियो क्लिप है, पहले सुन लीजिए फिर आपसे पूछेंगे आपका सवाल। गाना आपने सुन लिया है, अब बताइए इस फिल्म में सर्कस का क्या नाम था। राजपाल फैमिली, सबसे पहले आपने बजर दबाया, आंसर बताइए। द ग्रेट इंडियन सर्कस। करेक्ट आंसर, वेल डन। आइए, वेल डन फैमिली, क्रैक कर लिया आपने आंसर। आप तो बहुत हैरान होगे जब आपको पता चला कि आंसर करेक्ट है। मुझे नहीं पता था। उसमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सही बोलेगा या नहीं। You've made everyone proud today with your answer. Well done. All right. तो गेम से पहले ये रहा आपका प्राइज। ये रहा आपका 42 इंच का क्रोमा LED टीवी फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन और फुल USB मल्टीमीडिया प्लेबैक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, ये रहा आपका गेम। गेम का नाम है आजा मेरी साइकिल पर बैठ जा। ये गेम जोड़ियों में खेला जाएगा। दो मेंबर्स साइकिल पर बैठेंगे और दो मेंबर्स साइकिल पर बॉल रखेंगे और साइकिल को पुश करेंगे पीछे से। आपको बॉल को बैलेंस करते हुए और ऑब्स्टिकल से बचते हुए बॉक्स तक पहुंचना है और उस बॉल को बॉक्स में डालना है। याद रखिए, जो साइकिल चला रहा है उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ गया तो वो बॉल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद रहे, एक वक्त में आप एक ही बॉल ले जा सकते हैं। 90 सेकंड्स में आपको 10 बॉल्स डालनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप ये गेम क्रैक कर लेंगे। आइए अपनी पोजीशन में लग जाइए। ओके राजपाल फैमिली, लेट्स प्ले दिस गेम। 3, 2, 1। बहुत अच्छा पेस पकड़ लिया राजपाल फैमिली ने। वेरी वेरी वेल डन। हमें जरूरत है केवल 10 बॉल्स की और 90 सेकंड में। अगर ऐसा हो गया तो ये टेलीविजन सेट इनका। आपके दोनों बॉल डिस्क्वालीफाई हो गए मैम। आप साइकिल आगे से पकड़ने हैं, पीछे से पकड़ने हैं। साहूकार की आंखें। सर, आपका भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप भी साइकिल आगे से पकड़ने हैं। एक्सीडेंट होने वाला है, ध्यान से चलिए। सर ध्यान से कहां जा रहे हैं? राजपाल साहब, राजपाल फैमिली के साथ मैं कभी ड्राइव पे नहीं जाने वाला हूं। नमस्ते, आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राजपाल फैमिली, गेम काफी ट्रिकी था, अच्छी तरह खेला आप लोगों ने, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। लेकिन आप दोनों ने 2-3 ओकेजन पे एक काम किया था। रूल ये था कि आपको साइकिल पीछे से पकड़ना है और धक्का मारना है, लेकिन आपने कहा भाई पीछे से कौन रोमांटिक डांस करते हैं, पीछे से भी पकड़ लिया आगे से भी पकड़ लिया और ऐसे घूम रहे हैं आप लोग, तो वो बॉल्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 2 आपने किए, 2 आपने किए और लास्ट मोमेंट पे एक बॉल नीचे गिरी थी जो आपने उठा के डाल दी। सो बेसिकली फैमिली, 5 बॉल्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। अब देखना ये है कि क्या उस बॉक्स में 5 डिस्क्वालीफाइड बॉल्स के बाद 10 बॉल्स हैं कि नहीं। रेडी? एक, दो, तीन, चार, पांच। बेस्ट ऑफ लक राजपाल, आई होप आप लोग की गेम जीत जाए। 1, 2, 3, 4। चार पे बात खत्म हो गई। आई एम सो सॉरी, 10 की जरूरत थी, केवल 4 लीगल बॉल्स उस बॉक्स में है। बट ग्रेट परफॉर्मेंस राजपाल, वेल प्लेड।
आइए अपनी पोजीशन लीजिए। राजपाल फैमिली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, वेल प्लेड। एनीवे, बिना कोई रूल्स तोड़े अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आज की चैंपियन फैमिली बनी है हमारी राजपाल फैमिली। आइए सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो। एजेंट्स, इनकी ट्रॉफी ले आइए प्लीज। सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो, सब खेलो, सब जीतो। वन टू थ्री खेलो, टुगेदर जीतो। वन टू थ्री खेलो, टुगेदर जीतो। जो टीम्स आज यहाँ जीत नहीं पाई, हमारे पास उनके लिए है एक बढ़िया सा तोहफा, टैंजरीन होम कुचौ की तरफ से आकर्षक बेड इन अ बैग। मैं सारी फैमिलीज को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, थोड़ी पार्टी हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.